हाय गाइस, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आई होप आप सब फिट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। गाइस, आज का हमारा जो वीडियो है वो है पॉथोस के बारे में। पॉथोस कई प्रकार की होती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉथोस, उनकी केयर के बारे में कि उनकी केयर किस तरीके से की जाए, क्योंकि अभी का जो समय है वो पॉथोस लगाने के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम है। बिगनर्स के लिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी टू केयर है ये। बस इसकी ब्रांच कहीं से आपको मिल जाए तो आप उसे ले आए और पानी में ग्रो कर लें। देखिए, ये जो पॉथोस आप देख रहे हैं कितना बड़ा है इसका लीव्स, और ये येलो पॉथोस है। इसमें इस तरह का ग्रीन के साथ में येलो कलर आता है। देखिए इसका वेरिएशन, तो इस तरह का वेरिएशन जिन लीव्स में होता है इसे येलो पॉथोस कहते हैं। तो मेरे पास चार तरह की पॉथोस हैं। तो फर्स्ट तो ये येलो पॉथोस, और सेकंड नंबर पर देखिए ये है मेरी मार्बल क्वीन पॉथोस। बहुत ही अच्छे से चल रही है। ये बेस्ट टाइम होता है मार्च का महीना और एक रेनी सीज़न। इन दोनों समय इसकी ग्रोथ जो है ये बहुत ही अच्छी होती है। ये भी थोड़ा सा विंटर के अंदर डोरमेंसी में चली जाती है, और अब विंटर ख़त्म होने पर इसके अंदर बहुत तेज गति से ग्रोथ होती है। थर्ड नंबर पर देखिए ये मेरी एंजॉय पॉथोस है। देखिए इसका लीव्स कैसे वेरीगेटेड हैं, बहुत ही अच्छा। हर पत्ते के ऊपर आपको एक अलग डिज़ाइन दिखाई देगा इस एंजॉय पॉथोस के अंदर। और ये मेरा फोर्थ नंबर पर देखिए जड़ पॉथोस है। जड़ पॉथोस की जो ये लीव्स हैं ये बिल्कुल ग्रीन होते हैं, इसमें किसी भी तरह का आपको कलर वेरिएशन नज़र नहीं आएगा। एकदम डार्क ग्रीन जो है वो इसके लीव्स होते हैं। तो ये चार तरह की मेरे पास पॉथोस हैं। पॉथोस को मिट्टी में भी लगाया जाता है और पॉथोस को पानी में भी लगाया जा सकता है। किसी बड़े पॉट के रिक्वायरमेंट भी इसे नहीं होती है। छोटे से छोटे पॉट के अंदर या छोटी से छोटी बॉटल में भी आप इसे लगा सकते हैं। देखिए ये मेरा एक इतना छोटा सा कंटेनर है जिसके अंदर ये पॉथोस देखिए कितना अच्छे से मज़े से चल रही है। देखिए बहुत ही अच्छी। इधर ये मेरा देखिए एक ऑयल का डिब्बा है जिसके अंदर ये मेरी येलो पॉथोस लग रही है। ये देखिए कितना हेल्दी इसके अंदर ये लगी हुई है, और देखो कितनी न्यू ग्रोथ इसके अंदर निकल कर आ रही है। तो पॉथोस एक ऐसा प्लांट है जिसे आप इंडोर लगा सकते हैं और किसी भी एरिया के अंदर ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं बॉटल्स में लगाकर, तो आपको ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं होती है। देखिए ये मेरी एक बॉटल है, बॉटल को मैंने ये DIY प्लांटर बनाया है, और इसके अंदर मैंने एक जेड पॉथोस और एक येलो पॉथोस की कटिंग लगाई है। तो ये दो तरह की इसके अंदर मैंने कटिंग अभी
4 दिन ही हुए होंगे मैंने इसमें लगाई है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए इसके अंदर, ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर ये रूट जो है वो बन गई है, रूट बनना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे छोटे छोटे बॉटल प्लांटर में आप अपने लिविंग रूम के अंदर कहीं भी स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, आप अपने बेड के आसपास किसी स्टूल पर रख सकते हैं। देखिए ये एक मेरी कॉफ़ी की जो बॉटल है खाली, उनके अंदर भी आप इस तरीके से पॉथोस लगा करके आप अपने बच्चों के स्टडी रूम के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि ये एक एयर फ्रेशनर प्लांट भी है, एयर को प्यूरीफाई करता है। ये मैंने अभी 1 हफ्ता पहले ही इसके अंदर लगाई थी, और ये देखिए कितनी लंबी रूट जो है इसके अंदर डेवलप हो गई है। साथ ही मैंने इसके अंदर एक छोटी सी कटिंग जो है वो, ये देखिए इंग्लिश आईवी भी मैंने इसके साथ लगा दी है, और ये भी मज़े से इसके साथ साथ चल रही है। देखिए ये मार्बल क्वीन पोथोस की कटिंग और ये इंग्लिश आईवी, ये दोनों प्लांट जो हैं वो अलग अलग हैं। इसके पत्ते कुछ कुछ एंजॉय पोथोस से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन ये एक वाइन होती है, और इसकी स्पेसीज जो हैं वो बिल्कुल अलग होती है, पोथोस नहीं होती है। तो इस तरीके से आप देखिए कि मनी प्लांट को लगाना कितना इजी है। बस आप जहाँ कहीं आपका इसका ये नॉड एरिया होता है, इसमें एरियल रूट से निकलती है इस तरह की गांठ, देखिए ये नॉड एरिया, आप इसके नीचे से यहाँ से कट कीजिए और यहाँ से इसको पानी के अंदर डाल दीजिए। पानी के अंदर डालने पर पानी के अंदर जो लीव्स होते हैं पॉटल के अंदर, उन्हें आप हटा दें और केवल ऊपर ऊपर इसके पत्ते रखें, वरना आपकी पानी के अंदर सड़न हो जाएगी और आपकी कटिंग अच्छे से नहीं चलेगी। पानी को शुरुआत के अंदर आप 3-4 दिन के अंदर चेंज करते रहें, और रूट जब डेवलप हो जाए तो उसके बाद आप महीने में 2 बार इसका पानी चेंज कर सकते हैं। बाकी पानी कम होने पर आप उसमें पानी ऐड करते रहें। पानी जो आप इसमें यूज़ करेंगे, आप ऑर्डिनरी टेप वाटर इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसे कम से कम 1 दिन के लिए यूं ही खड़ा रहने दें पानी को, और उसके बाद आप उस पानी को जो है वो इन वाटर के अंदर जो प्लांट्स प्रोपगेट करते हैं उनके अंदर इन पानी को यूज़ करें। मतलब कि नल से आने वाला सीधा पानी जो है वो जैसे ही नल से आया वो आप नहीं डालें, आप उसे 1 दिन के लिए किसी भी, आपकी टंकी में हो सकता है, बाल्टी में हो सकता है, आपके किसी भी पॉट में हो सकता है, तो 24 घंटे पड़ा रहने के बाद में फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपने इन प्लांट्स के अंदर। और इस तरीके से आप जहाँ चाहें छोटे से छोटे स्पेस के अंदर ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं। पॉथोस को डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, लेकिन इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ब्राइट लाइट बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे अंधेरे जगहों पर नहीं रखें। आप कमरे की ऐसी विंडो जहां ब्राइट लाइट आती हो वहां अगर इसे रखेंगे तो वहां पर ये बहुत ही मज़े से अच्छे से चलेंगे। बस ब्राइट लाइट हो और थोड़ा सा पानी,
इससे ज़्यादा इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब इनकी रूट डेवलप हो जाए तो आप इसे मिट्टी के अंदर भी उगा सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी में भी ग्रो किया जा सकता है। कटिंग को बस इसे ब्राइट लाइट के अंदर रख दें, पानी थोड़ा कम दें और इसकी मिट्टी जो है वो बनाने के लिए आप एक भाग गार्डन सॉइल, एक भाग सैंड और एक भाग कंपोस्ट लें। उसके अंदर थोड़ा सा फंगीसाइड, थोड़ी नीम खली और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो सूखी हुई चाय पत्ती जो आप चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो धो करके आप सुखा लें और उसका यूज़ जो है वो आप अपने पौधों को लगाने के अंदर करें तो आपकी पौधों जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगी। आपका प्लांट जो है बिल्कुल इस तरीके से हेल्दी होगा एकदम से। साथ ही पौधों को जो है वो मिस्टिंग बहुत पसंद है तो आप इसके ऊपर रोज़ाना ना कर सकें तो हर दो तीन दिन के अंदर इसके प्लांट के ऊपर इस तरीके से स्प्रे इसकी पत्तियों के ऊपर ज़रूर करें, क्योंकि ये स्प्रे को बहुत लाइक करता है पौधों की प्लांट। जितना आप स्प्रे करेंगे आपकी पत्तियों का साइज़ भी बड़ा होगा, साथ ही आपकी पौधों जो हैं वो तेज़ गति से ग्रो करेंगी और रूट डेवलपमेंट भी जो है उसके अंदर तेज़ी से होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।